करंट का टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो न्यूज में बड़ा ही बना हुआ था, और ये टॉपिक है आपका सीबेड माइनिंग। हम ये जानना है कि सीबेड माइनिंग क्या है, सीबेड माइनिंग का महत्व क्या है भारत के लिए, फिर हम ये चर्चा करेंगे कि सीबेड जो माइनिंग है इसकी पर्यावरणीय चुनौतियां क्या हैं, और पर्यावरणीय चुनौतियां अगर हैं तो इसका हम प्रबंधन कैसे करेंगे, इस टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं सीबेड माइनिंग क्या है। शब्दों को तोड़ा जाए तो सी है सागर, बेड, और तीसरा है आपका माइनिंग। माइनिंग की बातें करें तो माइनिंग का तात्पर्य है आपका खनन। दो बातें हैं, पहला खनन किसका, और दूसरा अगर हम खनन करेंगे तो खनन हम कहां से करेंगे, कहां से। तो जब भी हम खनन की बातें करते हैं तो खनन हम करते हैं किसका, खनिजों का खनन। अब इसमें कौन से खनिज होते हैं, इसमें धात्विक खनिज भी हैं और अधात्विक खनिज भी हैं। कोई मैटर नहीं करता कि हम धात्विक खनिज की बातें कर रहे हैं या अधात्विक खनिज की बातें कर रहे हैं, मैटर ये करता है कि हम खनिजों का खनन कर रहे हैं। प्रश्न ये उठा कि खनिजों का खनन हम कहाँ से करें। सामान्यतः खनिजों का खनन समझो हम वहां से करते हैं जहां खनिज की उपस्थिति है। समझते चलेंगे अच्छे से। बस प्रश्न उठा कि खनिज की उपस्थिति कहाँ पर है, तो खनिज की उपस्थिति है अस्थल खंड पर, अस्थल खंड से हम खनिजों का खनन करते हैं। और दूसरा खनिजों की उपस्थिति है समझिए आपका सागरों में या महासागरों में। सागरों या महासागरों की बातें करें, सागरों या महासागरों का अपना एक नीतल होता है, ये नीतल है। इस नीतल पर विभिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, उपस्थित हैं। तो क्वेश्चन ये उठा कि अगर सागर के नीतल पर विभिन्न प्रकार के खनिज उपस्थित हैं तो इन खनिजों का खनन कैसे किया जाए। इन्हीं खनिजों के खनन की जो प्रक्रिया है इसी को हम बोलते हैं सी बेड माइनिंग। यानी कि आप बोलेंगे कि सी बेड माइनिंग का सामान्य सा अर्थ ये है कि महासागरी नीतल पर उपस्थित जो खनिज हैं उन खनिजों का खनन करना। सी बेड माइनिंग एक ऐसी तकनीकी है जिसके द्वारा महासागरी नीतल पर उपस्थित जो खनिज हैं इन खनिजों का खनन किया जाता है, और खनिजों का खनन करके उसका मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु उपयोग किया जाता है। प्रश्न को ये उठा कि सीबेड माइनिंग में हम सागर नीतल पर खनन करते हैं। समझिएगा सागर नीतल क्या है ये भी जानिए आप। सपोज कीजिए ये सागर है, ठीक है, सागर है। इस सागर पे ये जो भाग है, अच्छे से आप समझते चलेंगे, इसे नाम दिया जाता है महाद्वीपीय मग्न तट, अर्थात कॉन्टिनेंटल सेल्फ कहा जाता है। दूसरा जो अधिक ढाल वाला भाग है जहाँ पे ढाल अधिक है इसे एक नाम दिया जाता है महाद्वीपीय ढाल, आप इसे कॉन्टिनेंटल स्लोप कह सकते हैं। इसके बाद जो पर्वत के समान भाग है इसे कहा जाता है महासागरी कटक, ओशियनिक रिज कहा जाता है। इसके बाद समझिए जो महासागर में समतल का मैदान है इसे महासागरी मैदान कहा जाता है। मैदान जो गहरा भाग है समझिए इस गहरे भाग को महासागरी गर्त कहते हैं। क्लियर हुआ इतना। अब देखिए ये जो महाद्वीपीय मग्न तट है इस महाद्वीपीय मग्न तट पे कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। जब हम बातें करते हैं महाद्वीपीय मग्न तट की, मग्न तट, इस महाद्वीपीय मग्न तट पर कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। महाद्वीपीय मग्न तटों पर नदियां अवसादों का जमाव करती हैं जिसके कारण यहाँ पे कई प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। इन खनिजों में अगर हम बातें करें तो कच्चा तेल, प्लेसर का निक्षेप, बजरी इत्यादि समझो खनिज यहाँ पे पाए जाते हैं। इनके अलावा यहाँ पे मत्स्य संसाधन के रूप में समझिए आपके संसाधन उपलब्ध हैं। इसके अलावा जब हम गहरे नीतल की बातें करते हैं, गहरे नीतल का तात्पर्य हुआ ये जो महासागरी मैदान है, पॉइंट को समझिएगा, इस महासागरी मैदानों में आपके मैग्नीज के पिंड पाए जाते हैं, यहाँ पे तांबा पाया जाता है, क्रोमियम भी पाया जाता है, इसके अलावा अन्य धात्विक खनिज भी यहाँ पे पाए जाते हैं। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये जो महासागर हैं इन महासागरों में कई प्रकार के खनिज विद्यमान हैं। इस आधार पे अगर हम भारत की स्थिति देखें तो ये जो भारत है ये हिंद महासागर के तट पर उपस्थित है। अब समझिएगा इसका तात्पर्य ये हुआ कि ये जो हिंद महासागर है इस हिंद महासागर में खनिजों का भंडार है। इसके तात्पर्य यह भी हुआ कि हिंद महासागर में इतने खनिज विद्यमान हैं
कि भारत की आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं। भारत चूंकि तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, इसकी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं। इसीलिए भारत सरकार हिंद महासागर में खनन करना चाहती है और हाल में ही भारत सरकार को हिंद महासागर में सीबेट माइनिंग के लिए परमिशन दिया गया है और भारत सरकार हिंद महासागर में सीबेट माइनिंग का कार्य करेगी। इसीलिए सीबेट माइनिंग का जो टॉपिक है अचानक से चर्चा में आ गया। समझिए, सीबेट माइनिंग है क्या? एक प्रौद्योगिक या औद्योगिक क्षेत्र है जिसमें समुद्र तल से जलमग्न खनिजों और निक्षेपों का निष्कर्षण किया जाता है। यह एक नई तकनीकी प्रक्रिया है। इन निक्षेपों का खनन या तो हाइड्रोलिक पंप की सहायता से किया जाता है या बकेट सिस्टम की सहायता से किया जाता है। इसके द्वारा देखो जो जलमग्न उपस्थित खनिज हैं, निक्षेपों में शामिल जो खनिज हैं, इन खनिजों को सतह पर लाने का प्रयास किया जाता है। हमने आपको बताया कि अभी हाल में ही भारत सरकार को सीबेट माइनिंग का परमिशन मिला है। तब बोलेंगे कि हाल में ही इंटरनेशनल सीबेट अथॉरिटी ISA इंटरनेशनल सीबेट अथॉरिटी याद रखेंगे ने हिंद महासागर क्षेत्र में पॉलीमेटॉलिक एक खनिज है जिसका नाम है पॉलीमेटॉलिक सल्फाइड। पॉलीमेटॉलिक सल्फाइड की अगर हम बातें करें तो वास्तव में समझिएगा इस पॉलीमेटॉलिक सल्फाइड में सल्फर विद्यमान है, इसमें तांबा विद्यमान है, कुछ मात्रा में समझो आपका क्रोमियम विद्यमान है। इसीलिए भारत सरकार इस पॉलीमेटॉलिक सल्फाइड का हिंद महासागर से खनन करना चाहती है। भारत के जो रुचि का विषय है इसमें तांबे का पाया जाना है। ठीक है, तो आप बोलेंगे कि ISA ने पॉलीमेटॉलिक सल्फाइड की खोज करने के लिए भारत को लाइसेंस दिया है। अगले दशक में भारत सरकार ने गहरे समुद्र में जल के अंदर चलने वाली मशीनों और मानव चालित पनडुब्बियों जैसे समुद्री तकनीकों को विकसित करने और परीक्षण करने के लिए $1 बिलियन से अधिक व्यय करने की योजना बनाई है ताकि हम गहरे समुद्रों में जाकर भी खनिजों का खनन कर सकें और अपनी बढ़ती हुई जरूरतों को आसानी से पूरा किया जा सके। अब हमें ये चर्चा करना है कि भारत को अभी जो ISA के द्वारा लाइसेंस दिया गया है सीबेट माइनिंग के लिए, भारत के लिए इसका क्या महत्व है? अगर हम चर्चा करें समझिए तो भारत तेजी से विकसित होती अर्थव्यवस्था का उदाहरण है। पेंडेमिक के काल को आप छोड़ देंगे। अब समझिए अगर ऐसा है तो सिंपल सी बात यह है कि भारत में खनिजों की मांग लगातार बढ़ेगी। भारत में हम चौथे औद्योगिक क्रांति की चर्चा कर रहे हैं। चौथे औद्योगिक क्रांति को सफल बनाने के लिए कच्चे माल की आपूर्ति, ऊर्जा की आपूर्ति लगातार होना आवश्यक है। इसके अभाव में हम चौथे औद्योगिक क्रांति को सफल नहीं कर पाएंगे। तो महत्व में समझो पहला महत्व क्या है, यानी कि पॉलीमेटैलिक में जिसमें तांबा, निकल, कोबाल्ट, मैग्नीज, लोहा और दुर्लभ मृदा धातुएं शामिल हैं। समझिए कितने प्रकार की धातुएं यहाँ पे शामिल हैं। इनका जो उपयोग है ये आधुनिक गैजेट बनाने में किया जाता है। तांबे का उपयोग स्मार्टफोन बनाने में किया जाता है, लैपटॉप बनाने में किया जाता है, यहां से लेकर के समझो पेसमेकर, हाइब्रिड कार, सौर पैनल बनाने में किया जाता है। और भारत में लगातार ऑटोमोबाइल उद्योग बढ़ रहा है, मोबाइल का उद्योग बढ़ रहा है, लैपटॉप का उद्योग बढ़ रहा है, सोलर मिशन भारत ने चला रखा है। इन सभी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए कोबाल्ट, तांबा, निकल की बड़े स्तर पे आवश्यकता है। देश में अगर हम देखें तो निकल और तांबा की बहुत अधिक उत्पादन नहीं होता है। प्रश्न ये उठा कि फिर इस मांग को पूरा कैसे किया जाए। इसी मांग को पूरा करने के लिए पॉलीमेटेलिक जो खनिज है, सल्फाइड जो खनिज है, इसी का हम क्या करना चाहते हैं, खनन करना चाहते हैं। समझो ये जो संसाधन है, इन संसाधनों के वैश्विक मांग में निरंतर वृद्धि हो रही है। भारत सरकार इन संसाधनों का खनन करके विदेशी व्यापार में भी अपनी भूमिका को लगातार बढ़ाना चाहती है। दूसरे पॉइंट की बातें करें, भारत में ऊर्जा संकट की समस्या है। समझिए और लगातार ये ऊर्जा संकट की समस्या बढ़ती चली जा रही है। हमारे पास पेट्रोल का अभाव है, जल विद्युत का पूरी क्षमता का दोहन अभी तक हम नहीं कर पाए हैं, नाभिकीय तकनीकी पर अभी हमारी निर्भरता बहुत अधिक नहीं है। फिर ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? ऐसी स्थिति में हम ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों में समझो अपनी रुचि दिखा रहे हैं। बोला गया कि कई गैर ऊर्जा सामग्रियों की वैकल्पिक उपलब्धता उनके अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में गिरावट लाएगी, क्योंकि सीबेट माइनिंग के द्वारा
हम ऊर्जा का भी खनन करेंगे। अब ऊर्जा का खनन करेंगे तो वैश्विक स्तर पे ऊर्जा की कीमतें कम होती चली जाएंगी। इससे भारत जैसी उभरती अर्थव्यवस्था के लिए उपयोगी आपका ऊर्जा प्राप्त हो सकेगी और आसानी से भारत अपनी आवश्यकताओं को पूरा कर सकेगा। समझिए, सीबेट जो माइनिंग है यह आपका समकालीन समय में अर्थात आज के समय में सबसे तीव्र व्यवसायों में से एक है, क्योंकि लगातार आपका निकल की, कोबाल्ट की, तांबे की मांग बढ़ती चली जा रही है। धीरे धीरे स्थलीय संसाधन समाप्त होते जा रहे हैं। स्थल के संसाधन जब समाप्त हो जाएंगे तो फिर मानव को संसाधनों की आपूर्ति सागरी संसाधन ही कर पाएंगे। इसलिए संपूर्ण विश्व इसमें अपनी रुचि दिखा रहा है तो भारत को भी इस मामले में पीछे नहीं रहना चाहिए। इसीलिए भारत ने सी बेड माइनिंग का लाइसेंस प्राप्त किया। आगे चर्चा करते हैं। देखो, भारत तांबा, निकल और कोबाल्ट के उत्पादन में इच्छुक है क्योंकि ये आपका स्वच्छ विद्युत उत्पादन प्रदान करते हैं। हमने देखा होगा विद्युत का जब स्थानांतरण करते हैं तो विद्युत के स्थानांतरण में तांबा बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तांबा उष्मा का अच्छा सुचालक है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि तांबे के द्वारा अगर हम विद्युत का स्थानांतरण करें तो विद्युत का क्षय कम होगा। समस्या बस एक है कि ये जो तांबा है ये तांबा महंगा है, इसीलिए विद्युत की आपूर्ति के लिए हम एल्युमिनियम के तार का प्रयोग करते हैं। एल्युमिनियम तांबे की तुलना में कम सुचालक है, इसीलिए एल्युमिनियम के द्वारा जब हम विद्युत का स्थानांतरण करते हैं तो ऊर्जा की बड़ी मात्रा का क्षय होता है। समझिए, देश में ऊर्जा संकट की समस्या है और आप ऊर्जा का क्षय कर रहे हैं। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए तांबे का बड़े स्तर पर उत्पादन करना होगा ताकि तांबा सस्ता हो सके और विद्युत के स्थानांतरण में इसका उपयोग किया जा सके। इसीलिए भारत सी बेड माइनिंग के लिए भारत ने लाइसेंस प्राप्त किया है। देखिए, भारत की अगर हम चर्चा करें, भारत आज भी खनिजों के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है। प्रश्न उठा कि भारत अगर आत्मनिर्भर नहीं है तो इसका तात्पर्य ये हुआ कि हम क्या करते हैं, बड़े स्तर पर खनिजों का आयात करते हैं। अब समझिए, खनिजों के आयात के कारण देश की मुद्रा बड़ी मात्रा में विदेशों में जाती है। अगर हम खनिजों के ऊपर स्वयं को आत्मनिर्भर बना ले, खनिज के मामले में हम अपने आप को आत्मनिर्भर बना ले, तो आयात के रूप में खर्च होने वाला जो पैसा है वो पैसा बचेगा, उस पैसे को देश में निवेश कर सकते हैं। साथ ही साथ खनिजों के उत्पादन के कारण जहां एक तरफ रोजगार में वृद्धि होगी, वहीं दूसरी तरफ उद्योगों को लगातार कच्चे माल की आपूर्ति होती रहेगी, जिससे देश के आर्थिक विकास को प्रगति मिलेगी और ये हमारे लिए आवश्यक है। तो आप बोलेंगे कि भारत का जो लक्ष्य है ये खनिजों में आत्मनिर्भरता को प्राप्त करना है। वर्तमान में भारत चीन पर निर्भर है, इसलिए आपका सीबेड जो माइनिंग है हिंद महासागर में इसका सामरिक महत्व है। इसीलिए भारत सरकार ने क्या किया, सी बेड माइनिंग हेतु लाइसेंस प्राप्त किया और भारत बड़े स्तर पे हिंद महासागर में सी बेड माइनिंग का कार्य करने वाला है। एक बात तो समझ में आया कि ये जो सी बेड माइनिंग है इसके कारण भारत अपने खनिजों की आवश्यकता को पूरा कर सकता है। अगर हम बातें करें सी बेड माइनिंग, इस सी बेड माइनिंग के कई लाभ है। पॉइंट को समझिएगा, क्या लाभ है? अभी हमने चर्चा किया कि हम खनिज उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करेंगे, रोजगार का सृजन करेंगे, औद्योगिक उत्पादन बढ़ाएंगे, जीडीपी बढ़ेगी, औद्योगिक विकास होगा, आवश्यकताएं पूरी होंगी, इसका सामरिक महत्व है, आयात घटेगा। ये जो पॉइंट है ये सारे के सारे क्या हैं, इसके पॉजिटिव पक्ष हैं, आपके सकारात्मक पक्ष हैं। लेकिन जब हम दूसरा पक्ष देखते हैं तो जो सी बेड माइनिंग है, इस सी बेड माइनिंग के अपने कुछ नकारात्मक पक्ष हैं। प्रश्न ये उठा कि इस सी बेड माइनिंग के अपने नकारात्मक पक्ष क्या है? आपको मैंने बताया सी बेड माइनिंग में हम गहरे सागरों में जा करके खनन की क्रिया करेंगे, माइनिंग का कार्य होगा। इसके कारण एक बात तो क्लियर है कि पर्यावरणीय समस्याएं यहाँ पे पैदा होने वाली है, पर्यावरणीय समस्याएं, क्योंकि खनन के कारण समझो अवसाद पैदा होंगे, जीवों को वहां से हटाना पड़ेगा। गहरे सागरों में प्रकाश की कमी होती है तो खनन के लिए वहां पे प्रकाश देना पड़ेगा। इस कृत्रिम प्रकाश के कारण, इस खनन के कारण कई प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं पैदा होंगी। इसके नकारात्मक पक्ष में समझो हम सागरीय पारिस्थितिकी तंत्र,
इसके हम असंतुलन की भी चर्चा कर सकते हैं, अर्थात सीबेड माइनिंग की समझो अपनी पर्यावरणीय चुनौतियां हैं। हमें जानना है कि सीबेड माइनिंग की पर्यावरणीय चुनौतियां क्या हैं, और अगर ये चुनौतियां हैं तो हमने इन चुनौतियों से निपटने के लिए क्या विशेष प्रबंध हमने किया है। पहला पर्यावरणीय चुनौती क्या है, कह रहा है कि सीमित रूप से ज्ञात पारिस्थितिकी के लिए एक अपरिवर्तनीय क्षति हो सकती है। जब हम खनन का कार्य करेंगे, इस खनन के कारण जो गाद पैदा होगा, इस गाद से समझो जो सागरी पारिस्थितिकी तंत्र है, पारितंत्र, इस सागरी पारितंत्र को नुकसान होगा, जीवों की मृत्यु हो जाएगी, सागरी जैव विविधता में कमी आएगी। सागरी पारिस्थितिकी तंत्र का जो आहार श्रृंखला है, ये आहार श्रृंखला अव्यवस्थित हो जाएगी। अगर ये आहार श्रृंखला अव्यवस्थित हो जाएगी, इसका तो सीधा सा तात्पर्य ये है कि सागरी पारिस्थितिकी में कभी भी समझो सुधार ना होने वाले परिवर्तन हो जाएंगे और नीतल का पारिस्थितिकी तंत्र पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा। दूसरी समस्या क्या है, जब भी हम खनन का कार्य करेंगे तो खनन के कारण गाद या अवसाद के ढेर पैदा हों, अवसाद के ढेर में वृद्धि हो जाएगी और खनन के कारण हुआ जो व्यवधान है वह धीमी गति से वृद्धि करने वाले जो प्रवाल हैं और मछलियों के पर्यावरण को नष्ट कर देगा। समझिए, आपको जो बताया गया था कि जब हम प्रवाल की बातें करेंगे तो प्रवाल के लिए समझो आपका अवसाद युक्त जल नहीं चाहिए। प्रवाल अवसाद युक्त जल से समझो या जल की उपस्थिति में ये मरने लगते हैं, इनकी मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु अगर होगी तो इससे क्या होगा, प्रवाल पारितंत्र या प्रवाल पारिस्थितिकी तंत्र आपका अव्यवस्थित हो जाएगा। प्रवाल विरंजन का दर बढ़ जाएगा। ये जो प्रवाल है कई सागरी जीवों को आश्रय प्रदान करते हैं, इसलिए प्रवालों को फाउंडेशन प्रजातियां भी कहा जाता है। इन प्रजातियों के नष्ट होने से सागरी पारिस्थितिकी तंत्र को अव्यवस्थित होने से कोई भी नहीं बचा सकता है। मछलियां मरने लगेंगी, मछलियों का पलायन होने लगेगा, जिसके कारण समझो अनजाने में ही सही मानव मत्स्य संसाधन को नुकसान करना प्रारंभ कर देगा। तीसरा समझिए, हम गहरे सागरों में खनन कर रहे हैं तो गहरे सागरों में अंधेरा होता है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि गहरे सागर के जो जीव हैं, ये जीव अंधेरे के लिए या अंधेरे में अनुकूलित होते हैं। पॉइंट को समझिएगा इसे। अब समझो अंधेरे में जा करके खनन का कार्य तो हम नहीं कर सकते हैं, फिर क्या करना पड़ेगा, इन गहरे क्षेत्रों में हमें क्या करना पड़ेगा, कृत्रिम प्रकाश लेके जाना पड़ेगा। परिणाम स्वरूप जो जीव अंधेरे के लिए अनुकूल हुआ है, उस जीव के अनुकूलन में समस्या आएगी, उस जीव के प्रजनन में समस्या आएगी। परिणाम स्वरूप जीव की संख्या कम होने लगेगी और जीव की संख्या कम होने के कारण जीवों की क्षति होगी और धीरे धीरे वो जीव आपका विलुप्त हो जाएगा, जो कि सागरी पारिस्थितिकी तंत्र में जैव विविधता का हास करेगा। साथ ही साथ खनन जब हम करेंगे तो समुद्र के नीचे खनन के कारण जो मशीन चलाई जाएंगी, उस मशीनों से उत्पन्न ध्वनि जीवों की गतिशीलता प्रवासन प्रतिरूप को प्रभावित करेगा, या कार्बन डाइऑक्साइड और ऊष्मा को अवशोषित करने वाले और विश्व जलवायु को नियंत्रित करने वाले महासागरों पर दीर्घकालिक प्रभाव डाल सकता है। और ये समझ लीजिए, अगर आपका जलमंडल असंतुलित हुआ तो जलमंडल वायुमंडल को असंतुलित कर दे, जलमंडल वायुमंडल मिल करके स्थल मंडल को असंतुलित कर देंगे, जलमंडल वायुमंडल स्थल मंडल अगर असंतुलित हुआ, इन्हीं तीनों में आपका जैव मंडल है, जैव मंडल भी अव्यवस्थित हो जाएगा, जो कि मानव के भविष्य पे संशय खड़ा करेगा। अन्य चुनौतियों की बातें अगर करें, आप बोलेंगे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ सी पर्यावरण संबंधी चिंताओं का समाधान करने के लिए पर्याप्त नहीं है। यानी कि समझिए, यूनाइटेड नेशन की बातें अगर हम करें तो यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो नियम बनाए गए, सागर पे जो नियम बनाए गए हैं, ये नियम इतने पर्याप्त नहीं है, इतने मजबूत नहीं है कि सागरी पारिस्थितिकी तंत्र में जो समस्याएं पैदा होंगी उन समस्याओं को तुरंत रोक लेंगे। ऐसी स्थिति में सागरों में लगातार पर्यावरणीय ह्रास होता जाएगा, सागरी पारिस्थितिकी तंत्र का नुकसान होता जाएगा और अंत में सागर पूरी तरह से अव्यवस्थित हो जाएंगे। पॉइंट को समझिएगा, सीबेड माइनिंग में खनन के कारण सागरी जल प्रदूषण की समस्या बढ़ेगी, सागर में
मृत क्षेत्र का निर्माण होगा, डेड जोन का निर्माण होता जाएगा। नेक्स्ट समझो, जिन क्षेत्रों में हम खनन करेंगे उन क्षेत्रों में खनन करने के लिए चारों तरफ से हमें स्थल को बंद करने की आवश्यकता होगी। अगर हमने ऐसे किया कि चारों तरफ से सागर को, मान लीजिए ये सागर है, हम इस प्रदेश में खनन करना चाहते हैं तो हम इसे चारों तरफ से स्थल से बंद कर देंगे। अब समझो इस प्रदेश में चारों तरफ से आने वाले जो जीव हैं उन जीवों का आगमन समझो रुक जाएगा। जीवों के आगमन के बाधित होने के कारण समझो जैव विविधता में भारी कमी आएगी और जैव विविधता में कमी के कारण सागरी पारिस्थितिकी तंत्र भी असंतुलित होता चला जाएगा। नेक्स्ट है, जब हम यहाँ से लौह अयस्क का समझो निष्कासन करेंगे या किसी भी खनिज का अगर हम निष्कासन करेंगे तो उस अयस्क के प्रसंस्करण किया जाता है, क्योंकि प्रकृति में प्राप्त जो अयस्क होते हैं ये अशुद्ध होते हैं। तो जब इसका प्रसंस्करण करेंगे तो यहां से अवशिष्ट निकलेगा, इन अवशिष्टों में ठोस अवशिष्ट भी होगा और इन अवशिष्टों में द्रव अवशिष्ट भी होगा। ये ठोस, द्रव और गैस जो अवशिष्ट हैं, ठोस और द्रव अवशिष्ट जहां एक तरफ सागर के जल को प्रदूषित करेंगे, वहीं दूसरी तरफ समझो आपका गैस अवशिष्ट महासागरों के तापमान और लवणता को प्रभावित कर सकते हैं। ऐसी स्थिति में समझिए आपका सागरी पारिस्थितिकी तंत्र को नियंत्रित कर पाना कठिन हो जाएगा और सागरी पारिस्थितिकी तंत्र पूरी तरह से असंतुलित हो जाएगा। प्रश्न ये उठा कि सीबेड माइनिंग में अगर इतने प्रकार की चुनौतियां हैं, समस्याएं हैं, तो इन चुनौतियों का, समस्याओं का समाधान कैसे किया जाए, इस पर्यावरणीय चुनौतियों का प्रबंधन कैसे किया जाए, ये जानना बड़ा जरूरी है। तो सबसे पहला हमें क्या करना पड़ेगा, मान लीजिए ये सागरी प्रदेश है, कल्पना कीजिए ये कोई सागरी प्रदेश है और इस सागरी प्रदेश में हम सीबेड माइनिंग करना चाहते हैं। तो सीबेड माइनिंग करने से पहले, पॉइंट को समझिएगा, इसे करने से पहले क्यों ना इस पूरे के पूरे सागरी क्षेत्र का एक सर्वेक्षण किया जाए। सर्वेक्षण करके ये पता लगाया जाए किस प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हो सकती हैं, क्यों ना इसका पर्यावरणीय प्रभाव आकलन किया जाए। पर्यावरणीय प्रभाव आकलन के द्वारा यह आसानी से पता लगाया जा सकता है कि किस प्रकार की समस्याएं इस प्रदेश में उत्पन्न होने वाली हैं। तब बोलेंगे कि सबसे पहले व्यापक पैमाने पर परियोजना को प्रारंभ करने से पहले समुद्री तल का गहन सर्वेक्षण और पर्यावरणीय प्रभावों का परीक्षण किया जाए, उसके पश्चात ही इस योजना को लागू किया जाए। अगर इस पर्यावरणीय प्रशिक्षण में दिखता है कि यहाँ पे पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न होंगी, इस पर्यावरणीय समस्याओं के प्रबंधन की भी क्या किया जाए, नीतियां बनाई जाए और प्रबंधन की नीतियां बना करके सीबेड माइनिंग का कार्य किया जाए। नेक्स्ट समझो, खनिजों को खनन करते हैं हम और खनिजों के खनन के कारण प्रदूषण की समस्या पैदा होती है, अवसाद की समस्या पैदा होती है। तो खनिजों का खनन के बजाय क्यों ना खनिज न्यूड्यूल्स को बाहर निकालना, यानी कि जो खनिज आपके न्यूड्यूल्स हैं, यानी कि जिससे खनिज आपके मिले हुए हैं उसी को बाहर निकाल दिया जाए और बाहर निकाल करके समुद्री तलीय वनस्पतियों और जीवों पर इस पे समझो कम प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट, घरेलू कानूनों, मॉडल नियमों और जवाबदेही तंत्र का एक सुदृढ़ व्यवस्था बनाई जानी चाहिए ताकि जवाबदेही को सुनिश्चित किया जा सके, बताया जा सके कि किस प्रकार की पर्यावरणीय समस्याएं पैदा हुई हैं। और क्या करना चाहिए, जैव विविधता संरक्षण के लिए एक पृथक प्रावधान को शामिल किया जाना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र गहन सागरी जैव विविधता के संरक्षण के लिए एक नया निकाय स्थापित किया जाना चाहिए। प्लस जिन क्षेत्रों को पहले से ही समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में संरक्षित किया गया है, जिसको पहले से ही जिन क्षेत्रों को जैव विविधता होप स्पॉट, याद रखेंगे होप है हॉट नहीं है, जैव विविधता होप स्पॉट का मतलब होता है सागरी पारिस्थितिकी तंत्र को संरक्षित करना। तो जिन क्षेत्रों को पहले से ही जैव विविधता होप स्पॉट के रूप में संरक्षित किया गया है उन क्षेत्रों में सीबेड माइनिंग को पूरी तरह से प्रतिबंधित करना। और हम कार्य कर सकते हैं, अधिक समस्या वाले क्षेत्रों में खनन को प्रतिबंधित करना, ये भी समझो एक उपाय हो सकता है। अपशिष्टों के निपटारे का व्यापक एवं प्रभावी प्रबंध करना, ये भी एक कार्य हमें करना पड़ेगा। नेक्स्ट, जिन क्षेत्रों में हम सीबेड माइनिंग का कार्य कर रहे हैं उन क्षेत्रों में समझो जो प्रजातियां हैं उन जीवों की प्रजातियों को प्रतिस्थापित करना, स्वच्छ प्रौद्योगिकी का विकास करना,
इसके अलावा समझिए और हम क्या कर सकते हैं, तो बोलें कि देशों को अपने निहित स्वार्थों को नए इंटरनेशनल सीबेट अथॉरिटी फ्रेमवर्क में सहमत होने के लिए पृथक रखना चाहिए, ताकि अपने निजी स्वार्थों को छोड़ करके हम जैव विविधता का संरक्षण कर सके या सागरीय जैव विविधता का संरक्षण हम कर सकें। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि इन चुनौतियों को समाधान हम कर सकते हैं। एक बात समझिए, मानव की आवश्यकताएं लगातार बढ़ रही है, जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि होती जा रही है वैसे वैसे मानव की आवश्यकताएं भी लगातार बढ़ती जा रही है। मानव की इस बढ़ती हुई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सीबेट माइनिंग का कार्यक्रम चलाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम विश्व के अंतर्राष्ट्रीय मानकों में पिछड़ जाएंगे। इसीलिए हमें सीबेट माइनिंग तो करना ही पड़ेगा, साथ ही साथ हमें ये भी ध्यान देना है कि सीबेट माइनिंग के कार्यक्रम में हम इतने अंधे ना हो जाएं कि सागरी पारिस्थितिकी तंत्र को पूरी तरह से अव्यवस्थित कर दें, क्योंकि अगर सागरी पारिस्थितिकी तंत्र अव्यवस्थित हुआ तो मानव जीवन ही संकट में आ जाएगा। तो हमें दो कार्य करने पड़ेंगे, संपोषणी विकास की धारणा का पालन करना पड़ेगा, पर्यावरणीय संरक्षण के साथ साथ खनन करना पड़ेगा, समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के संरक्षण के साथ साथ समझो सीबेड माइनिंग की नीतियों का निर्माण करना पड़ेगा। ऐसा करके हम समुद्री पारिस्थितिकी और पर्यावरण का संरक्षण करते हुए खनन कार्य करके मानवीय आवश्यकताओं को आसानी से पूरा कर सकते हैं।